लुधियाना विखे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़े रखने तो बाद मुस्लिम भाईचारे वालों लुधियाना विखे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जिस दौरान हज़ारों की गिनती में इकट्ठा हुए मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने मिलकर नमाज पढ़ी और एक दूजे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर मुस्लिम आगू फिरोज़ मास्टर ने सारे देशवासियों ईद की मुबारकबाद दी और देश की तरक्की लिए दुआ की। हम अपने पार्टी के तरफ से और हम अपने यूनियन के तरफ से तमाम देशवासियों को लाख लाख बधाई देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हमारे देश में अमन शांति हो और जो हमारे भारत के इंसान जहां भी जाते हों पूरे दुनिया के अंदर में जहां भी रहे उन सबको मैं लाख लाख बधाई देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सब खुशियों से मालामाल हो जाए और हमारे देश में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, जो लोग परेशान हैं उसको परेशानी दूर हो जाए, क्योंकि हम लोग एक महीना रोज़ा रख करके रमज़ान का पाक मुकद्दस महीना चलता है जो पूरे दुनिया में लोग जाने जाते हैं कि रमज़ान के महीने में जो भी दुआ करते हैं और ख़ास तौर से जो रमज़ान ख़त्म हो गया ईद रोज़ा ख़त्म हो गया और लास्ट वाले दिन जो ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है तो उस दिन जो दुआ होता है वो अरसे मौला तक जाता है और अल्लाह तबारक तआला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। सारे हिंदुस्तान वासियों को हम सभी मुस्लिम भाई के तरफ से ईद की लाख लाख मुबारकबाद हो और इस ईद जो है ना इंसान को गले से गले मिलने की जो है ना ये देती है और हर आदमी जो है ना एक दूसरे से मिल कर के रहे, यही पैगाम ईद उल अज़हा जो है ना देती है लोगों को हिंदुस्तान में।